आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर संगीन आरोप। पूर्व प्रिंसिपल संदीप था लाशों का सौदागर। अस्पताल से तस्करी का इंटरनेशनल कनेक्शन। कोलकाता कांड में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश। जैसे जैसे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अस्पताल पर नए और सनसनीखेज आरोप भी लग रहे हैं। इसी बीच कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अख्तर अली ने जो खुलासा किया है, उसके बाद तो इस केस में नया भूचाल आ गया। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरजीकर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अख्तर अली ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला है। अख्तर अली ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जो जांच का रुख बदल सकते हैं। अख्तर अली ने दावा किया कि संदीप घोष अस्पताल के लावारिस शवों को बेचने सहित कई अवैध गतिविधियों में शामिल थे। अख्तर अली ने ये भी आरोप लगाया कि घोष बांग्लादेश में बायोमेडिकल वेस्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी में लगे हुए थे। इसके अलावा बहुत सारा बेआईनी काम, जैसे बॉडी का लेके, जैसे डेड बॉडी का लेके तस्करी करना, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का मैंने बताया था, इसको भी मैंने एक्सपोज किया था। ये दो कंप्लेन काफ़ी ऊंचा लेवल में गया था, लेकिन ये बहुत, मतलब मैं बोल रहा हूँ, इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एकदम एक्सपोज किया था विद वीडियो फुटेज और इसका मीडिया ने भी इसको एक्सपोज किया। अख्तर अली आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है और 2007 से 2023 तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अख्तर अली ने यह भी आरोप लगाया कि साल 2021 में संदीप घोष ने अपनी नियुक्ति के बाद से ही छात्रों को जानबूझकर फेल करना शुरू कर दिया ताकि वो बच्चों को पास करने के नाम पर पैसे कमा सके। मैं बहुत सारा स्कैम जो है एक्सपोज किया था मैंने खुद, और मैंने मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व किया था। तो एक पहला जो सबसे पहले मैंने पकड़ा था वो स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे, फेल करा करके उनसे पैसे, अच्छे खासे रकम वसूलते थे, और जो उनके बात नहीं सुनते थे, कुछ उसमें स्टूडेंट थे जो ये पैसा को कलेक्ट करते थे। अख्तर अली ने यह भी आरोप लगाया कि जब संदीप घोष को पद से हटाने या ट्रांसफर की बात होती तो वो जूनियर छात्रों को भड़काकर आंदोलन करवा देता था। फिर उन्हीं जूनियर स्टूडेंट को वो शराब पिलाते थे, उनको पैसे का लालच लत लगाते थे और उनसे आंदोलन भी करवाते थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये आंदोलन भी काफ़ी होता था वहाँ। अगर जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो ये स्टूडेंट लोग को देके उन्होंने आंदोलन करा दिया, फिर दोबारा वो प्रिंसिपल के पोस्ट पे आ गए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को लेकर भी अख्तर अली ने बड़ा खुलासा किया। अख्तर अली के मुताबिक रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की सिक्योरिटी में शामिल था और यही वजह थी कि अस्पताल में उसने अपना रसूख कायम किया हुआ था। उसका वीडियो देखा और जब मैंने टीवी में देखा तो मेरे जहन में आ गया, मुझे याद आया कि इसको मैंने संदीप घोष के साथ ही देखा था आपने? हाँ, संदीप घोष देखा था। उसके वो बाउंसर रखते थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो चार बाउंसर में से ये संजय रॉय। एसआईटी के सामने ये बात बताई है? मैंने एसआईटी के सामने बताई। अख्तर अली के मुताबिक उन्होंने अस्पताल में चल रहे घोरख धंधे की शिकायत विजिलेंस टीम से भी की थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस की जांच सीबीआई के पास है। ऐसे में अख्तर अली सीबीआई के लिए अहम गवाह साबित हो सकते हैं। अगर उनके आरोपों में वाकई दम है तो कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और कॉलेज प्रशासन की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी।